स्वतंत्र प्रभात समाचार में मनीष पांडे के साथ आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं भदोही जिले की प्रमुख खबरों की ओर। भदोही जनपद के स्वास्थ्य विभाग को मिला 2 आइस लाइन फ्रीजर। मैम कोरोना वैक्सीन आ रही है मैम, इसको लेकर मैम कितने चरणों में लगेंगे और मैम कितने लोगों को मैम इसके लिए सूची तैयार की गई है? हम लोग के अभी 3 कैटेगरीज हम लोग बनाए गए थे, हम लोग को आदेश दिया गया है लखनऊ से, वहाँ से लखनऊ से। तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगने जा रही है वैक्सीन, एंड सेकेंड हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स, एंड थर्ड में तो 50 ईयर्स अबव एंड जिसको गंभीर बीमारियाँ। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में तो हम लोग जैसे फर्स्ट फेज में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाने जा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सभी को लग जाएगा। एंड गवर्नमेंट में हम लोग की 5,000 के ऊपर ही हम लोग किया वो आंकड़ा आई हुई है, एंड नॉन गवर्नमेंट में भी 1,500 के करीब हम लोग को सूची मिली हुई है। बिल्कुल हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे वो ख़त्म हो जाएगा पहला चरण, सेकेंड फेज में हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में यही सब लोग आएंगे, पुलिस पर्सनल आएंगे, आर्मी पर्सनल आएंगे, एनसीसी वाले आएंगे, एंड ये 50 साल के अबव विद गंभीर बीमारियाँ या जो भी बीमारियाँ हो उन को लग जाएगी, हो या डायबिटीज़ हो, रीनल डिजीज हो या कार्डियक डिजीज हो, उन लोगों को सब लग जाएगा। इफेक्ट का ऐसा कुछ है नहीं, देखिए नई वैक्सीन है, अभी लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, मगर उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। एनाफिलैक्सिस किट हम लोग रखे, AFI किट हम लोग तैयार करके रखे, जैसे हम लोग MR कैंपेन में हम लोग करते थे वैसे ही इस कोरोना वैक्सीन के लिए भी हम लोग तैयार करके हर सेंटर्स पे हर ANM के पास एक किट अवेलेबल रहेगा। एंड क्या रिएक्शंस होने जा रहा है, बुखार होने वाला है या कुछ और प्रॉब्लम्स होने वाला है वो तो अभी हम लोग को पता नहीं है, बट हम लोग को ये कहा गया कि अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगा या सांस फूलेगा जैसे और कोई दिक्कत आएगी तो इमीडिएटली हम लोगों को डॉक्टर्स रहेंगे, तो डॉक्टर्स एक्टिव होके एक्शन लेके तुरंत ज़रूरत पड़ने पे हम लोग एडमिट करके ट्रीट करेंगे। हम लोग के पास ILRs बोलते हैं उसको, हम लोग के पास 2 आई हैं। हम लोग के जनपद में 18 लाख के करीब पॉपुलेशन वे हैं, उसी हिसाब से हर जनपद में लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।